आपने क्या कर दिया? तो जो आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रसन्न कर दे वो धर्म है। धर्म की एक ही व्याख्या है। और यदि और सीधी व्याख्या में करूं, गोस्वामी जी के शब्दों में, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। और स्मरण रखना कि आप जिस छोटे से कर्म को बहुत छोटा समझ के छोड़ देते हो, प्राय करके तो क्या मानसिकता रहती है, बोले 50-60 साल तक तो पहले घर की, परिवार की, संसार की, व्यवहार की सब बातें, सब उत्तरदायित्व निपटा लें, फिर कहीं तीर्थ में जाकर भजन करेंगे, फिर कहीं जाएंगे वृंदावन, कहीं जाएंगे ऋषिकेश जाकर भजन करेंगे। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहा करते थे, बोले जो भजन करेगा वो आज करेगा, अभी करेगा, और जो आज और अभी नहीं करेगा वो कल और कभी नहीं करेगा। जिसे अपने जीवन में आरंभ करना है वो यहीं से करे, अभी आज, उसका आरंभ अभी से हो। एक कुछ काल पहले की घटना है, बहुत पुरानी बात आपसे नहीं बता रहा। दो महिलाएं भ्रमण कर रही थी वृंदावन में, यत्र तत्र एक एक आश्रम में जाती हैं और अधिकारी जनों से, संतों से विनय करती हैं, बोली महाराज हमारे पास ही 2 पैसे हैं, भंडारा करा दीजिए। अब सब लोग कहते हैं अरे 2 पैसे में कैसे भंडारा हो जाएगा, कुछ 50 वर्ष पूर्व की घटना होगी है तो 2 पैसे में कैसे भंडारा संभव है, नहीं भाई नहीं होगा। संध्या समय एक आश्रम में पहुंची, संत लोग भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे, वृद्ध महंत जी बैठे थे, बोली बाबा भंडारा कराना चाहती हूँ, 2 पैसे हैं। बाबा बड़े प्रसन्न, अरे हाँ लाली ला, कल कल सुबह 11 बजे संतों की पंगत बैठेगी, तू आ जाना भंडारा हो जाएगा। 2 पैसे महिला ने दे दिए। अगले दिन पहुंची, भंडारा हो गया, बड़ी आश्चर्य में पड़ी गई, बाबा आपने 2 पैसे में कैसे भंडारा कराए दियो। बोले देख लाली, हमने तेरे 2 पैसे की हल्दी बुलवाई और तरकारी में गिरवा दी, हमारी 2 पैसे की हल्दी बच गई, तेरे नाम को भंडारा है गयो, साधु संतन ने प्रसाद पाई लियो, सबरो बात बन गयो। वो महिला राजस्थान के एक प्रांत की रानी थी और अपने साथ अपार धन संपदा लेकर आई थी वृंदावन में किसी सत कार्य में निवेश करने के लिए। बोली बाबा बहुत दिन हो गए थे घूमते घूमते, कोई सतपात्र नहीं मिला, मैं कसौटी लेकर निकली थी, मैं परीक्षा कर रही थी यहां वहां डोलकर कि जो मेरे इन 2 पैसों का सदुपयोग करेगा वही इस धन का वस्तुतः अधिकारी होगा। जिसके पास ये 2 पैसे का सदुपयोग करने की कला होगी, ऐसे ही वो महामहिम आपको छोटे छोटे अवसर देगा, आप सावधान रहना, चूक मत जाना, आपको छोटे छोटे अवसर मिलेंगे। आपकी धर्म की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में जो पोथी किताब आपने मैंने पढ़े हैं, शायद उसमें कोई बड़े भारी पुण्य का वर्णन ना हो, लेकिन वो छोटा सा अवसर वो महामहिम को विवश कर देगा, वो आपको उसके दृष्टि में लाकर खड़ा हो जाएगा, आप बड़े अवसर के अधिकारी हो जाएंगे। आज कितने भी उन्नत क्यों नहीं हो गए हम, हमने कितनी भी तकनीक विकसित क्यों ना कर ली हो, लेकिन जब आज भी घर बनता है, भवन बनता है, मंदिर बनता है, तो एक एक ईंट जोड़कर बनता है। ऐसा सदा हुआ कर्मी धर्म है। और जब आप धर्म परायण होते हैं, अभी तो आजकल तो क्या है ना, अब कथा हुई तो सेठ जी ने दे दिया 20-50 हजार रुपए का चंदा और ले सारे शहर में आपके नाम की घोषणा हो गई धर्म परायण बंधुओं। ऐसे धर्म परायण नहीं, जब आप वस्तुतः धर्म परायण होते हैं, जब ओतप्रोत होता है जीवन में धर्म, जब श्रेष्ठ जनों की सम्मति और शास्त्रों के आदेश के ताने बाने से आप धर्म का वस्त्र बुनते हैं ओढ़ने के लिए, तो धर्म ते विरति, ये कला है जीवन जीने की, द आर्ट ऑफ लिविंग, करते करते मुक्त होना, संसार में रहते रहते निर्लिप्त होना। कैसे रहेंगे आप, कैसे करेंगे, कहीं भाग कर जाएंगे कहां? और जो लोग भाग कर जाते हैं हम लोगों की तरह, तो मुंड मुंडाए भजन को,
और सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। ये तो आज सबसे सरल कार्य है, पर साहब देखकर दुख होता है और बात समझ में भी नहीं आती कि दो कमरे का घर छोड़ा और 200 कमरे का भवन बना लिया, न चिंता मिटी न क्लेश गया न संसार छूटा और साधु होने का दंभ और माथे पे धर लिया। मैं तो समझता हूं साहब, एक सदगृहस्थ व्यक्ति जो घर आए अतिथि का सम्मान करता है, कुछ पूंजी अर्जित करता है, संत भगवंत की सेवा करता है, सत्कर्म युक्त जीवन यापन करता है, वो हम जैसे धर्मोपदेशकों से कहीं अच्छा है। बहुत लोग प्रश्न करते, बोले महाराज आपका आश्रम कहां है वृंदावन में, कहां है आपका स्थान कहां है वृंदावन में। भाई साधु का स्थान तो भगवान के चरण कमल होते हैं, जिसको वो स्थान ओछा पड़े, जिसको वो स्थान खोटा पड़े, वो अपने लिए कोई और स्थान बनाए। और आप मुझसे मेरा स्थान पूछो, आप मुझसे मेरा पता पूछो, मैं आपसे आपका पता पूछूं, क्या लाभ है। अच्छी बात है ना, मैं कहूं आप सुने और ये श्रवण कथन हम दोनों को भगवान के स्मरण में लगाए और हम सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए। आप आश्रम का पता पूछते हैं, मैं ऐसी विनती करना चाहता हूं आपसे जो आज के समय की आवश्यकता है, जो आज इस समय की आवश्यकता है। क्यों 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 आप किसी आश्रम का पता खोजते हैं, क्यों नहीं आप ऐसा कोई प्रयास करते, क्यों नहीं आप कोई ऐसी युक्ति सीख लेते कि आप जहां रहते हैं वही स्थान आश्रम बन जाए, आप जिस घर में रहते हैं उसी को मंदिर बनाइए ना। मैं अभी जब यहीं आ रहा था तो फ्लाइट में मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठे थे, जैसे उन्होंने मुझे देखा तो बोले आप फ्लाइट चूंकि लखनऊ आ रही थी तो बोले आप राम मंदिर वाले संत हैं, प्रश्न उसने पूछा। बोले आप राम मंदिर वाले संत हैं, मैंने कहा नहीं भैया मैं मन मंदिर वाला संत हूं, मुझे मन मंदिर बनाना है और कोई मंदिर नहीं, साधु इसीलिए आता है संसार में। तो जो जहां है वो वहीं से एक शुभारंभ कर सकता है। तो धर्म ते विरति, और मैं तो कहता हूं इसे प्रयोग करके देखिएगा आप जीवन में, कैसे आप जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कैसे जब जब आपका कर्म आपकी पूजा बन जाएगा, जब कर्म उपासना हो जाएगा, जब आपके कर्म में धर्म की पवित्रता परिलक्षित होगी तो जीवन का आनंद प्रकट होगा, आप ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। तो राम ते अधिक राम करदासा, श्री ललिता जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना कली के जीव को यह रस मिले। जब रास नृत्य पूरा हुआ, प्रिया प्रीतम रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान, कोई सहचरी चंवर ढुराती है, कोई पान बीड़ी की सेवा करती है, कोई बीजना डुला रही है, श्री ललिता जी आज बड़ी अनमनी सी प्रिया जी के चरणों का लालन कर रही हैं, संवाहन कर रही हैं। श्री प्रिया जी ने, श्री स्वामिनी जी ने देखा ललिता जी की ओर, ललिते आज आपके मन में कहां बात चल रही है, आप मुझे अनमनी सी दिखाई पड़ रही हो। श्री ललिता जी ने कहा स्वामिनी जी आप पे कछु मांगूं तो आप प्रदान करेंगी। श्री प्रिया जी ने कहा ललिते तो ही संशय है या बात में, नहीं आप वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे देंगे। श्री प्रिया जी ने वंशी हाथ में ली और कहा कि इस नेह की देवी की साक्षी में, वंशी क्या है, वंशी तत् प्रेम रूपिका, प्रिया और प्रियतम का जो परस्पर प्रेम है उसका साकार स्वरूप वंशी है, कि वंशी हाथ में लेकर मैं तुझे वचन देती हूं कि जो तू कहेगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो प्यारी जू मेरे मन की इच्छा है कि आपके चरणारविंद की ये जो अद्भुत विलक्षण भक्ति है, जाको पान करके हम उन्मत्त है रही हैं, ये हम सखियों के बट को जो ये अद्भुत रस है, जो ये विलक्षण रस है, आप ऐसी कछु कृपा करिए कि कलयुग को जीव या को अधिकारी है जाए, कलयुग के जीवन को आपके चरणारविंद की विलक्षण भक्ति को रस मिल जाए। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत के प्रमाण अनुसार, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो, श्री कृष्ण सर्वोपरि
सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, यही बात संसार जानता था। और श्री राधा का परिचय संसार को क्या था कि श्री कृष्ण जिनसे विशेष प्रेम करते हैं, जो श्री कृष्ण के विशेष स्नेहाधिकारिणी है, या अधिक से अधिक आचार्यों ने इतना संकेत किया था जो आह्लादिनी है, जो श्री कृष्ण के आनंद का उत्स है, जो श्री कृष्ण के उल्लास का उत्स है, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है राधा। इतना ही परिचय संसार जानता था श्री राधा के विषय में। ललिता जी की बात सुनकर प्रिया जी विचार करने लगी कि क्या कलयुग का जीव अधिकारी हो पाएगा इस अत्यंत निर्मल, जहां स्वप्न में भी स्वसुख की कामना नहीं है। देखो गोपियों का भी जो भाव है ना, उसको भी श्रीमद् भागवत में काम ही कहा गया है कि गोपियों ने भी काम से श्री कृष्ण का भजन किया है। गोपी के मन में भी कृष्ण को पाने की कामना है। अगर श्री कृष्ण किसी दूसरी गोपी के पास जाते हैं तो गोपियों में भी आपस में थोड़ा कई बार मात्सर्य देखा जाता है, कभी थोड़ी ईर्ष्या देखी जाती है। अर्थात उस स्थान तक पहुंच जाने के बाद, भाव की उस स्थिति तक आरोहण कर जाने के बाद भी कामना का बीज पूर्ण रूप में नष्ट नहीं होता, कामना का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कामना बनी रहती है। लेकिन श्री राधा जो जिसके लिए वेद कहता है रसो वै सह रसम व्यवायम लब्ध्वानंदी भवति, जो रस की ही साकार मूर्ति है, क्या 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 मनुष्य उसका अधिकारी होगा? श्री प्रिया जी विचार करने लगी, और अगर अधिकारी होगा भी तो उसे अधिकारी बनाएगा कौन? कौन जाएगा मेरे चरणों की भक्ति प्रकट करने के लिए? क्योंकि भक्ति भक्त का अधिकार है, और मेरे चरणों का, मेरे नाम रूप लीला का जो सतत रसास्वादन करता है, ऐसा अनन्य कौन है, ऐसा सुधन्य कौन है? तो सबके मन में एक चिंतन हुआ कि प्रिया जी क्या उत्तर देंगी। श्री प्रिया जी 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, श्री राधा राधिका विचक्षणी सर्व गुण सुलक्षणी नागरता की राशि किशोरी, मन में विचार करने लगी कौन जाए, ऐसी अनन्या ऐसी सुधन्या तो बस एक है, और वो वंशी है। केवल वंशी ही है जो मुझे पूर्ण रूपेण जानती है, जिसने मेरे माधुर्य का पूर्ण रूपेण आस्वादन किया है। प्रियतम अपने प्राण फूंकते हैं वंशी में, और प्रियतम के प्राणों में मैं रमण करती हूं। अनन्य अर्थात जो कभी स्वप्न में भी किसी अन्य भाव का स्पर्श ना करे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो त्रिकाल में केवल अपने इष्ट का सेवन करे, वो अनन्य है। जैसे गोपी कहती है, बामरी में अखियां जर जाएं जो सांवरो छाण निहारे दूजो। तो श्रीजी ने मन में विचार किया कि ऐसी अनन्या सुधन्या तो एक वंशी है, पर वंशी तो मेरे प्राणों से अधिक मुझे प्रिय है। मैं वंशी का वियोग नहीं सह सकती। नैमित्तिक लीला में भी जब श्री कृष्ण मथुरा गए, जब श्री ठाकुर जी का मथुरा गमन हुआ, तो नैमित्तिक लीला में भी श्री कृष्ण का तो वियोग हुआ श्री राधा से, लेकिन वंशी का वियोग नहीं हुआ। वंशी उस समय भी श्री प्रिया जी के ही पास रही। तो वंशी है जो श्री राधा को तत्व से जानती है, जो श्री राधा को भाव से पहचानती है, जो श्री राधा रूपी रस का सतत आस्वादन करती है, वो इस राधा धन की धनी है, वही दान करने में सक्षम है। लेकिन वंशी जाए कैसे, प्रिया जी मन में विचार करने लगी। पर एक और ललिता जी को दिया हुआ वचन स्मरण आया कि मैंने ललिता को वचन दे दिया है कि तू जो कहेगी मैं उसे पूर्ण करूंगी। प्रिया प्रीतम संकेत संकेत में एक दूसरे की ओर देखते हैं, मन में विचार करते हैं कि वंशी के बिना कैसे जीवन धारण करेंगे। पर राम सदा सेवक रुचि राखे, प्रभु को सबसे अधिक प्रिय अपना भक्त होता है। अपना मान टले टल जाए तो भक्त का मान न टलते देखा। भक्त से अगर कोई प्रेम करता है तो वो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त को अगर कोई सम्मान देता है तो केवल भगवान ही देते हैं। तो रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। श्री प्रिया जी ने ललिता जी को वंशी दे दी कि कलिकाल में यही वंशी
यही वंशी संसार में प्रकट होगी आचार्य का वपु लेकर, और मेरी उस भक्ति की धारा बहाएगी जिसे आज तक वेदों ने भी स्पर्श नहीं किया। शेष महेश दिनेश न जाने, आज आज हूं पछता, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पा। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहार, एह रस मगन रहत ते निसीदि, नंद दास बलिजान। तो भूमिका बन गई वंशी के इस धराधाम पर आने की। आज ये जो राधा नाम का माधुर्य संसार में प्रकट है, आज वृंदावन का वो रस स्वरूप जहां भूर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारा। ये मंगला, ये श्रृंगार, ये राजभोग, ये उत्थापन, ये संध्या, ये वनविहार, ये शयन, ये अद्भुत सेवा की जो परिपाटी प्रकट की वो वंशी ने आकर प्रकट की। आज श्री राधा के नाम का जो माधुर्य, जो प्राणी मात्र आस्वादन कर रहा है, महाप्रभु का वाक्य है कि यत् पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्येक भावाश्रय। कि ब्रह्मा शंकर जिनके चरणों की रेणु कणिका अनंत अनंत काल तक साधन करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो रज शिव सन का दिख दुर्लभ, जो रज शिव सन का दिख दुर्लभ, सो रज शीश चढ़ाऊं, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। चरणों का आश्रय लेते ही विधि निषेध का जंजाल अर्थात असहजता पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। वृंदावन के रसिकों की भाव भावना उपासना पद्धति कैसी है? मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं।
व्यास स्वामिनी की छवि निरखो व्यास स्वामिनी की छवि निरखो विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ किशोरी किशोरी तोरे चरणन के रज पा। प्रेम मेरे विचार से एक ऐसा भाव है जो सहजता की भूमि पर ही प्रफुल्लित हो सकता है। ये किया जाए और ये न किया जाए। एक साधक ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमने सुना है कि माला करो तो सुमेरु नहीं लांघना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए क्या? तो मैंने कहा भैया उधो मन ना भय दस बीस, मन तो एक है, उसे या तो भगवान में लगा लो और या इसी बात में लगा रहे कि सुमेरु तो नहीं निकल गया, ये चिंता लगी रहेगी मन को भाई सुमेरु तो नहीं निकल गया। ये जितने भी शास्त्र के अनुशासन हैं ये सकाम अनुष्ठान के लिए हैं। जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं, अगर बात प्रेम की हो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या की, तो वंशी ने आकर एक ऐसी सहज उपासना का मार्ग प्रकट किया, इसमें केवल एक प्रेम को ही प्रवेश है। तो जिनके चरणों की एक रेणु कणिका ब्रह्मादिक प्राप्त नहीं कर पाते, वो रूप रस इस संसार में इस कलयुग के मनुष्य की दृष्टि का, स्पर्श का, श्रवण का, चिंतन का विषय बना दिया वंशी ने प्रकट होकर। क्योंकि वृंदावन रस की चर्चा है तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि वृंदावन रस का मूल उद्गम क्या है। आज तो उहापोहसी हो गई है, मिलोनी हो गई है भावों के सिद्धांतों की, पर विशुद्ध वृंदावन रस है क्या? विशुद्ध वृंदावन की परिपाटी है क्या? विशुद्ध वृंदावन का माधुर्य क्या है? राधा चरण प्रधान भक्तमालकार जो परिचय देते हैं हितरिवंश महाप्रभु का, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कि जिस भाव में श्री राधा की प्रधानता है। और कैसी प्रधानता? कि प्रिया जी को प्रधान करने से ठाकुर जी कहीं भी पीछे नहीं होते। श्री राधा तो प्रधान है लेकिन श्री कृष्ण गौण नहीं है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा ना। तो आपको उदाहरण देता हूं, आप जैसे आप लोगों में क्रिकेट का मैच देखने का उत्साह होता है ना, आप सब काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं, आप तो बैठे रहे दो घंटा तीन घंटा मैच देखते रहे और अंत में क्या हुआ, मैच ड्रॉ हो गया, तो आप बोले अरे ये क्या हुआ, कोई आनंद नहीं आया। माने दो पक्ष बराबर हो जाए तो कोई आनंद नहीं है। ऐसे ही सखियां युगल को क्रीड़ा कराती हैं, खेल खिलाती हैं, अब दोनों जीत जाए तो फिर कैसा आनंद है। तो सखियों का एक सहज पक्षपात है और वो सहज पक्षपात है श्री प्रिया जी की ओर। भाई एक जीते एक हारे तभी खेलने का आनंद है। अब मालूमियों को दोनों को जीतना है तो फिर खेल कैसा, और फिर खिलाड़ी कैसे, और फिर खेलने का लाभ क्या? तो सखियां नित्य क्रीड़ा कराती हैं युगल को, कुछ कुछ श्याम सुंदर की ओर और कुछ प्रिया की ओर। और कैसी सुंदर पक्षपात की भावना है, पक्षपात तो है लेकिन बड़ा सुंदर पक्षपात है इस वृंदावन रस में। कैसा पक्षपात है कि सिंगार कराया है सुबह सहचरियों ने युगल को, एक रंग एक रूप एक ही स्वभाव भाव। वृंदावन की रसोपासना में श्री राधा और श्री कृष्ण में शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं है। श्री राधा श्री कृष्ण की केवल शक्ति नहीं है, क्योंकि यदि शक्ति हो तो शक्ति तो शक्तिमान के अधीन होती है। अब कोई बहुत बली है लेकिन उसका बल उसके अधीन है, वो जब चाहे तब प्रयोग करे, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। यहां तो रसखान कह रहे हैं
कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनी चौगने चायन और दौर दौर जब हार थक्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन और देख्यो छिप्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। यहां तो आपने सेवा कुंज में दर्शन किया होगा तो चापत चरण मोहन लाल वृंदावन की उपासना का जो योग पीठ है, वृंदावन की सरसोपासना का जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु में आपको विराजमान मिलेंगे क्या? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो सिंगार धारण कराया और कैसे हैं दोनों? प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। यहां श्री कृष्ण में पुरुष बुद्धि नहीं है, परम पुरुष बुद्धि भी नहीं है, दोनों प्रेम की मूर्तियां हैं। अद्वय युगल एक प्राण दो देह, रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों को एक सी बेसर धारण कराई है और सहचरियों के मन में विनोद जगता है कि बेसर कौन की अति नीकी, किसकी बेसर सुंदर है? तो बोले बेसर तो दोनों की एक जैसी है और दोनों एक से सुंदर हैं, दोनों की एक ही वय है, एक ही भाव है, एक ही स्वभाव, एक स्वरूप, कोई तुलना नहीं है, पर किसकी बेसर सुंदर लग रही है? तो न्याय परे हो ललिता जी के आगे, तो सबने कहा ललिता जी आप न्याय करिए, बताइए किसकी बेसर सुंदर लग रही है। अच्छा वहां पर नित्य क्रीड़ा है और प्रतिपल क्रीड़ा है, किसकी बेसर सुंदर है? अब ललिता जी के मन में द्वंद्व हुआ, भाई दोनों की बेसर एक सी, दोनों का रूप एक सा, दोनों का भाव स्वभाव एक सा, एक प्राण दो देह, तो कैसे पक्षपात किया जाए? तो ललिता जी बड़ा सुंदर उत्तर देती है, सखियां बड़ी प्रवीण हैं, प्रिया जी के की सन्निधि से, प्रिया जी के चरणों के अनुग्रह से एक प्रवीण है। तो ललिता जी उत्तर देती हैं कि न्याओ पर्यो ललिता जू के आगे, कौन ललित कौन फीकी, किसकी सुंदर है और किसकी थोड़ी फीकी लग रही है? तो ललिता जी कहती है दामोदर हित बिलग न मानो, बोले दोनों में कुछ अलग नहीं है, पर झुकन झुकी प्यारी झुकी, प्यारी झुकी थोड़ी झुकी है इसलिए बड़ी सुंदर लग रही है, प्यारी जो कि बेसर थोड़ी ऐसी झुकी है कि बड़ी सुंदर बड़ी मधुर लग रही है। बस ऐसा पक्षपात है, क्रीड़ा है युगल के विनोद के लिए और युगल क्रीड़ा करते हैं सहचरियों को सुख देने के लिए, परस्पर को सुख देने का भाव, तत्सुख सुखित्वम, जहां मूर्तिमान हुआ है, जहां साकार हुआ है वो वृंदावन रस, जहां सहचरियों के मन में अपने सुख का लेश नहीं है, और वहीं युगल ऐसे हैं। एक बार सहचरियों ने लीला का अनुकरण किया, प्रिया प्रीतम की एक बड़ी सुंदर बड़ी मधुर लीला का, श्री प्रिया जी लीला का दर्शन करके इतनी प्रसन्न हो गई कि विशाखा जी से कहने लगी अरे विशाखा आज तू मुंह पे कछु मांग ले। श्री विशाखा जी ने कहा प्यारी जू आपने तो ऐसे ही आपने आपको हमारे हाथन में दे रखो है, अब आप पे कहां मांगो, वो शेष रह गए। श्री जी ने कहा विशाखा आज मेरे मन के सुख के ताई कछु मांग ले, आज मेरी देवे की इच्छा है। तो विशाखा जी ने कहा जो मांगेंगी दोगी? श्री प्रिया जी ने कहा वचन ले ले। त्रिवाचा कराया श्री प्रिया जी से कि जो हम मांगेंगे वो आप देंगे। प्रिया जी ने तीन बार वचन भर दिया कि हाँ मैं दूंगी। तो विशाखा जी ने कहा ठीक है श्याम सुंदर को दे दीजिए। अब तो हतप्रभ रह गई प्रिया जी, ये क्या मांग लिया, प्राण कैसे दे दूं, पर वचन दिया है वंशी की साक्षी में, बड़े भारी हृदय से अश्रुपूर्ण नेत्रों से कंपित कर कमलों से श्याम सुंदर का हाथ विशाखा जी के हाथ में श्री प्रिया जी ने दे दिया। और जैसे ही श्याम सुंदर आकर खड़े हुए सखियों की ओर, श्री प्रिया जी चरणों में पड़ गई कि अब मोह पे इतनी कृपा करो कि मोए हूं सेवा में रख लो। अधीर हो उठी समस्त सहचरियां श्री प्रिया जी के चरणों से लिपट कर रोने लगी कि स्वामिनी
हम तैयार हैं आपको सेवा में रखने के लिए। और क्या सेवा देती हैं सहचरियां श्री प्रियाजू को कि हम आपसे एक ही सेवा चाहती हैं, हम अपनी अमानत आपको सौंप रही हैं। श्याम सुंदर का हाथ श्री प्रिया जी के हाथ में पकड़ा दिया और आपको कैसे संभाल करनी है हमारी इस अमानत की, हमारी ये थाती आप कैसे संभाल के रखेंगी। दीजिए दान ये व्यास निज दासिकों। आंचल पसार के सब सखियां खड़ी हैं कि हमने अपनी थाती आपको सौंप दी, ये श्याम सुंदर आज से हमारा धन है, अपनी थाती आपको सौंप रही हैं। दीजिए दान ये व्यास निज दासिकों। श्याम सो बहुर नहीं मान की जाए। बस आज के बाद कभी आप प्रियतम से रूठिएगा मत, कभी आप प्रियतम से मान ना करिएगा। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो। ब्रजदेविन के प्रेम की बंधी धुजा थी दूर। संत कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। लेकिन इन सहचरियों का प्रेम उससे भी उत्कृष्ट है। गोपी के मन में तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को पाने की कामना है। गोपी तो श्री कृष्ण का नैकट्य चाहती है, गोपी श्री कृष्ण के रूप रस का पान करना चाहती है। लेकिन सहचरी का हृदय कुछ और है, सहचरी चाहती है तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, करो चंद्र चको किशोरी। तो जिस भाव की भूमिका ऐसा अद्भुत भाव लिए है कि जहाँ खाए कोई और तृप्त होए कोई और। सहचरी कहती है हे प्यारी आप अपने रूप रस की वर्षा प्रियतम पर करिए, हमारी ओर ना देखिए, हमारी ओर दृष्टिपात ना करिए। परस्पर दो चकोर दो चंदा और ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल कर मानू प्यारे की भावती और भावती को प्यारो जुगल किशोरी जान। ये अद्भुत भाव भावना प्रकट की वंशी ने आकर। आगे की चर्चा
कल आगे बढ़ाएंगे। उनकी कृपा की छत्र छाया में ये चर्चा संभव हो पा रही है, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय से प्रेम।